हेलो गाइस माय सेल्फ कृष्णा विजय कुमार जी गट्टा जी और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आईडीटी सब्जेक्ट यस आई एम फ्रॉम वाशी ओके वाशी नॉट वाशी नॉट वाशी ओके यस सो आई एम परसुइंग फॉर सीए फाइनल एंड एलएलबी एल सेकेंड ईयर हाँ पढ़ाना पढ़ाना ये मेरा बहुत पहले से पैशन है पहले शॉर्ट लेवल पे एक छोटे से लेवल पे मैं यहाँ पे पढ़ाता था लेकिन यस थैंक्स टू मिस निकिता मैम वजह से मैं ये पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ और यस वी विल आपको कोई भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कोई सब्जेक्ट के अंदर और आपको अगर कहीं पे भी कुछ भी इशू होगा तो यस यू कैन डिरेक्टली कॉल मी डायरेक्टली मैसेज मी ओके बच्चों हेलो बच्चों लेट्स सब्जेक्ट इनडायरेक्ट टेक्सेस So, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस ठीक है तो हम सबसे पहले एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे हर पॉइंट को डिटेल में समझेंगे और पूरा डिटेल ओवरव्यू लेके हम टॉपिक को क्लोज करते जाएंगे तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज टैक्सेस बच्चों टैक्सेस कहां से आया है टैक्सेस कहीं से तो ये वर्ड हमने बहुत बार सुना है सब ने सुना है अपने पेरेंट्स टैक्स भरते हैं या बहुत सारे लोग टैक्स भरते हैं लेकिन ये टैक्स वर्ड आया कहाँ से तो हम जब हिस्ट्री में जाएंगे तो हमने देखा कि टैक्स ये जो वर्ड आया है वो वर्ड आया है लैटिन वर्ड से लैटिन वर्ड लैटिन वर्ड क्या था वो एयर ठीक है इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों टैक्सियर का मीनिंग होता है टू इस्टीमेट और वैल्यू ओके सो हम देख रहे हैं व्हाट इज टैक्सेस टैक्सेस के अंदर हमने फर्स्ट देखा टैक्सेस कहाँ से आया है टैक्सर वर्ड जो लैटिन वर्ड था जिसका मीनिंग होता है टू एस्टिमेट और टू वैल्यू अच्छा इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं हम हिंदी में इसको बोलते हैं कर ठीक तो अब हम समझेंगे कि ये हम इसकी स्टोरी एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू तो मैं आपको बताऊंगा कि ये टैक्स कैसे आया कब से आ रहा है और कैसा इसका स्ट्रक्चर है सो तो देखो एक कहानी है बहुत पुरानी कहानी है एक राजा था एक रानी थी दोनों मर गए खत्म कहानी ऐसा नहीं 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं ऐसा है फिर एक राजा था वो राजा ना बहुत अच्छा उसका एम्पायर था उसके एम्पायर में मतलब बिजनेस के लिए तो इतना अच्छा था कि बहुत मतलब उनके जो एम्पायर के बिजनेस मंस है वो बहुत मस्त वहाँ पे बिजनेस करते थे तो फिर एक बार क्या हुआ एक चाइनीज बंदा वहाँ आया उसने बोला कि हे hey, राजा मैं आपके एम्पायर के अंदर बिजनेस करना चाहता हूँ तो आप मेरे को परमिशन दो राजा सोच में गिरा उसने उसके मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई पूछताछ की करना चाहिए देना चाहिए इनको मौका कि नहीं देना चाहिए तो फिर एक डिसीजन ये हुआ कि हाँ इनको हमने मौका देना चाहिए पर एक बात समझो मेरी अगर मैं राजा हूं और मैंने मेरा एम्पायर उसको यूज करने दिया क्या यूज करेगा वो मेरे यहाँ के रिसोर्सेस यूज करेगा मेरे यहाँ आएगा वहां पे आके माल मतलब वो जो भी लाएगा उसके जो भी गुड्स रहेंगे वो लाके बेचेगा और वो जो इनकम कमाएगा वो का, क्या करेगा उसके कंट्री में लेके जाएगा करेक्ट है तो फिर मेरे को क्या बेनिफिट हुआ एज किंग मेरे को क्या बेनिफिट हुआ कुछ भी नहीं ऐसे कैसे चलेगा यार तो फिर हमने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा हम क्या करते दो कंडीशंस रखते क्या रखते दो कंडीशंस रखते क्या कंडीशन रखी राजा ने देखो सुनो बहुत अच्छी से और ध्यान से समझना है क्योंकि इसी के ऊपर अपना पूरा बेस है देखो दो कंडीशंस थी राजा की फर्स्ट कंडीशन राजा ने ये बोली कि देखो बिजनेसमैन जो वो चाइनीज था उसको ये बोला कि देखो आप ना आप जो भी सेल करोगे सेल करोगे मतलब गुड्स आप सेल करोगे उससे आपको क्या होगा इनकम जनरेट होगी भाई कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करता है क्यों करता है बिजनेस इनकम जनरेट हो इसलिए करता है ना नहीं तो क्यों करेगा तो फिर इनकम जनरेट करने के लिए उसकी जो भी इनकम होगी उसके इनकम का एक पार्ट उसके इनकम का पार्ट ये किसको देना पड़ेगा उसको किंग को देना पड़ेगा किसको देना पड़ेगा किंग को देना पड़ेगा ठीक है देखो हमने समझा क्या फर्स्ट कंडीशन है राजा की कि जो भी तुम माल सेल करोगे मतलब ऐसा समझो कि हमने टेन रुपीज का माल फिफ्टीन रुपीज में सेल किया ठीक है बिजनेसमैन है टेन रुपीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फिफ्टीन में माल सेल कर रहा है पांच रुपए की टोटल मोटा मोटा इनकम है समझ गए फिर ये जो पांच रुपए इनकम जनरेट हुई इसका पार्ट ऑफ इनकम मतलब ऐसा समझेंगे फाइव, फाइव किसको दिया जाएगा किंग को दिया जाएगा ओके ये फर्स्ट कंडीशन है अब देखो हम आते हैं सेकंड कंडीशन पे हमारे सी, सेकंड कंडीशन उसने ये बोली कि आप जो भी सेल कर रहे हो क्या आप जो भी सेल करोगे मतलब जो सेल प्रोसीड हुआ सेल प्रोसीड हुआ आप कितने में बेचने का बोल रहे थे 15 रुपीज में देखो बिजनेसमैन ने टेन में लाया फिफ्टीन में बेचना है बोल रहा है वो तो फिफ्टीन में सेल कर रहे हो तो राजा क्या बोला यार तू फिफ्टीन में मत सेल कर तू क्या कर मेरा एक रुपी एड करके सिक्सटीन में बेच कितने में बेच सिक्सटीन में बेच क्यों सिक्स में बेच यार समझ नहीं आ रहा राजा ने ये तो ले लिए पॉइंट फाइव रुपीज ले लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि भाई ये तो मेरे से इनकम कमाई है मतलब चाइनीज से इनकम कमाई है तो बराबर है उसका एक पार्ट ऑफ इनकम उसको दे रहे क्योंकि वहां के रिसोर्सेस यूज किए जा रहे लेकिन ये इसका क्या संबंध है यार ये एक रुपया क्यों ले रहा है ये किंग ये भी किंग बोल रहा है कि तुम मेरे ऐड करो और मेरे को ला के दो तो हम ये देखते कि भाई ये एक रुपये जो किंग और मांग रहा है इसको हम बोलते हैं कि भाई ये इनडायरेक्ट नेचर से वो मांग रहा है ये वसूल किए जा रहे ये वसूल किए जा रहे वहां के जो सिविलियंस है वहां की जो प्रजा है उनसे मतलब जो भी वो माल लेगा उसको वो जो एक रुपए एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा वो कौन शिफ्ट कर रहा कौन शिफ्ट कर रहा ये जो ये जो बिजनेसमैन है बिजनेसमैन क्या करेगा देखो बच्चों वो बिजनेसमैन जो फिफ्टीन का माल है 16 में बेचेगा मतलब कलेक्ट करेगा किससे किससे कस्टमर्स से किससे से और उसके अंदर का वन रुपीज है वो किंग को देगा करेक्ट यहां तक की बात समझ आ गई तो उसने बिजनेसमैन ने ऐसा बताया कि हम देखो ऐसे करेंगे कि आपको दो कंडीशन लगाएंगे फर्स्ट कंडीशन आपकी इनकम का आपको पार्ट देना पड़ेगा पॉइंट फाइव और दूसरा आपको जो आप पंद्रह में माल बेच रहे हो वो सोलह में बेचना पड़ेगा मतलब वो वन रुपी जो आपको हमको देना है अगर ऐसा आप ये ये दोनों भी टर्म्स कंडीशन को अगर आप सेटिस्फाइड करते हो तो हम क्या करते हैं आपको दे देते दे है दे क्या परमिशन का के लिए आप सेल करो हमारे यहाँ पे आके गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आपको सेल करना है तो बच्चों फिर अब हम आएंगे हमारे रिसेंट टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर अभी का जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है वो कुछ ये कंडीशन जो हमने बताई ना राजा की वो दो कंडीशन के हिसाब से मतलब कैसा देखो हमारा जो टैक्स के दो टाइप है एक है डायरेक्ट टैक्स क्या है बच्चों डायरेक्ट टैक्स और सेकंड क्या है बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है आप देखो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स फर्स्ट कंडीशन राजा की थी आपकी जो इनकम हुई बराबर है, part, बराबर है है उसका पार्ट मतलब पार्ट ऑफ इनकम आपको किसको देना है किसको देना है जल्दी जल्दी बोलो किसको देना है हमको किंग को देना है बराबर है मतलब पॉइंट फाइव याद आया हां 0.5 हमको देना है किसको देना है किंग को देना है तो वो हमारा जो हमारी इनकम का मतलब पर्सनल इनकम से हम जो शेयर किसको दे रहे हैं गवर्नमेंट को दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या बोलते हैं हम उसको डायरेक्ट टैक्स सेकंड सेकंड कंडीशन थी क्या थी कि आप जो माल बेच रहे हो वो माल आपको ₹1 ऐड करके देना है करेक्ट है तो वो जो वन रुपए एड करके दिया है मतलब उसका जो बर्डन है बर्डन है ना बर्डन मतलब उनके उसका जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो किसके ऊपर शिफ्ट की गई बर्डन शिफ्टेड टू एंड यूजर है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस ठीक है देखो दो चीजें हमने समझ ली अभी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का फर्स्ट बेसिक डिफरेंस डायरेक्ट टैक्स पर्सनल इनकम पे चार्ज होगा इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो एंड यूजर पे चार्ज होगा और वो जो टैक्स है वो हम किसी के ऊपर शिफ्ट कर सकते नहीं कर सकते ये शिफ्ट किया जाता है किसके ऊपर जो लास्ट एंड यूजर है और जो डायरेक्ट टैक्स है वो शिफ्ट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता फर्स्ट डिफरेंस हमने समझ लिया ठीक है सेकेंड डिफरेंस पे हम आएंगे अब देखो सेकेंड डिफरेंस सेकेंड डिफरेंस हमारा ये है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है कैसा है प्रोग्रेसिव नेचर का है इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारा रिग्रेसिव नेचर का है क्या फर्क है प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव में बताओ देखो प्रोग्रेसिव मतलब क्या होगा कि जैसे अगर मैं अंबा अंबानी और गट्टानी का एक अपन ये लेते हैं जैसे अंबानी है उनकी टोटल इनकम कितनी होगी रे बच्चों कितनी होगी फाइव हंड्रेड फाइव थाउजेंड लैक्स के अंदर होंगे करेक्ट है हाँ है और गट्टानी के इनकम फाइव लैक के अराउंड होंगी तो मेरे को एक बात बताओ टैक्स के मतलब गवर्नमेंट के नजर में दोनों भी सेम है इक्वल है ना भाई लेकिन एक बात बताओ अगर गट्टानी के ऊपर हमने टैक्स जो है वो टेन थाउजेंड रुपीज चार्ज किया और अंबानी पे भी टेन थाउजेंड चार्ज किया तो मेरे को एक बात बताओ अंबानी को फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा अरे भाई इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका टर्न ओवर इतना है उसका जो रेवेन्यू है वो बहुत है तो उसको क्यों फर्क पड़ेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो वो तो खुशी खुशी से दे देगा लेकिन जब गट्टानी को देने की बात आएगी तो वो तो हिचकिचाएगा वो बोलेगा यार दस हजार रुपये मेरे से ले ले रहे हो मेरी इनकम ही क्या है मेरे खर्चे कितने सारे हैं कैसे ही मैं मैनेज कर लूंगा इतना सब तुम तो मेरे को दस हज़ार रुपये नहीं ना थोड़ा कम करो मतलब वो आएगा बारगेनिंग पे लेकिन ये दे देगा तो फिर गवर्नमेंट ने क्या सोचा नहीं यार बोले ये गलत हो रहा है ये अंड हार्डशिप नहीं होनी चाहिए फिर क्या करना चाहिए तो उन्होंने ये बोला कि एक काम करते हैं हम लोग जो जितना ज्यादा कमाएगा वो उतना ज्यादा टैक्स देगा क्या बात सुनी वापिस से सुन लो जो जितना ज्यादा कमाएगा वो उतना ज्यादा टैक्स देगा मतलब जिसकी जितनी काबिलियत उसको उतना टैक्स ये कौन बोलता ये बोलता प्रोग्रेसिव नेचर वाला टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एक बेसिक फंडा यही चे क्या है कि भाई जितना तुम कमाओगे मतलब जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी एज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबके लिए समान टैक्स है मतलब अगर अंबानी और गट्टानी अंबानी भी गट्टानी है और गट्टानी भी अंबानी है मतलब क्या हुआ मतलब अगर हम कोई बिस्किट का पुड़ा लेते हैं उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है या वैट लगता है जो भी लगता है जीएसटी लगता है जो जीएसटी लगता है वो मेरे को भी उतना ही देना है और अंबानी जी को भी उतना ही देना है करेक्ट आ गया जन में तो हमने ये समझा कि व्हाट इज प्रोग्रेसिव व्हाट इज रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव मीन्स क्या जहां पे जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसा वैसे टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ेगी अच्छा मेरे को एक बात बताओ इससे जो लोअर लेवल के इनकम के लोग हैं उनको फर्क पड़ता होगा नहीं डायरेक्ट टैक्स से लोअर लो लेवल के इनकम के लोगों को फर्क नहीं पड़ता लेकिन किसको फर्क पड़ता रिग्रेसिव मतलब इनडायरेक्ट टैक्स हाँ इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क पड़ता क्यों पड़ता क्योंकि यार उनको टैक्स देना पड़ रहा है हालांकि नहीं है उसकी इनकम नहीं भी होगी लेकिन उसको अगर वो बिस्किट का पुड़ा लेता है तो उसको जीएसटी देना ही पड़ता तो मतलब रिग्रेसिव नेचर का टैक्स एक हिसाब से देखा जाए तो लोअर लेवल के इनकम वालों के लिए भी अप्लीकेबल है वो सबको लगेगा ठीक है तो ये हो गया हमारा प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव इसके अंदर थर्ड पॉइंट अब हम देखेंगे गवर्नमेंट ने मतलब ये रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए और ये चीजों का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक बॉडी बनाई है अरे जैसे डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो बॉडी बनाई गई है वो है सी क्या है सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ठीक है ये है और इधर क्या बनाई है हमने सी सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ओके तो ये जो बॉडी है ये बॉडी क्या करती है ये बॉडी करती है एडमिनिस्ट्रेशन किसका रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट का गॉट इट ठीक है फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट हमारा हम देखेंगे कि यहां पे रेट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन समझो 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 हमने अभी भी समझा था जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ेगी मतलब यहाँ पे क्या है रेट ऑफ टैक्सेस जो है आपके पर्सन टू पर्सन वो क्या होती है वैरी होती है मतलब फिक्स नहीं होती और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रेट ऑफ टैक्सेस आर इक्वल ठीक है बच्चों फोर्थ पॉइंट हमने समझा देखो हम ऊपर से लेके आ रहे हैं फर्स्ट हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे बर्डन शिफ्ट हो सकता है क्या डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इनडायरेक्ट टैक्स में कर सकते सेकेंड ये प्रोग्रेसिव नेचर का है कौन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है थर्ड सीबीडी एडमिनिस्टर करेगा किसको डायरेक्ट टैक्सेस को और सीबीईसी किसको करेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस को करेक्ट फोर्थ पॉइंट रेट ऑफ टैक्सेस डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ठीक है डायरेक्ट टैक्स के अंदर और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर रेट ऑफ टैक्सेस इक्वल रहेंगे किसी के भी लिए वो बेगर रहे या रिच पर्सन रहे कोई भी पर्सन रहे गॉट इट देखो उसके बाद में यहाँ पे क्या है पेयर और सफर सेम है समझा नहीं समझा नहीं वापस बोलो सर देखो पेयर और सफर सेम है सफर और पेयर क्या क्या समझ रहे हैं आपको ये इसके अंदर डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमने क्या बोला जिसने इनकम कमाई उसको ही टैक्स देना पड़ेगा बरोबर है मतलब इनकम किसने कमाई थी अंबानी ने कमाई थी बहुत कमाई थी बहुत कमाई थी शिद्दत से कमाई थी तो किसने टैक्स भरा उसने खुद ने भरा मैं बोलता क्या नहीं नहीं अंबानी जी रहिए आप मत भरिए मैं आपका टैक्स भरता है हाँ हाँ जिसकी इनकम है ना उसको टैक्स भरना है मतलब पेयर और सफर सेम है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में कैसा होता है एक स्ट्रक्चर आपको मैं बताता जैसे अपना जो एग्जाम्पल था उसके अंदर क्या था कि पे कौन कर रहा था राजा को राजा को पे कौन कर रहा था राजा को पे कर रहा था वो वो बिजनेसमैन करेक्ट वो बिजनेसमैन कलेक्ट कर रहा था और पे कर रहा था कौन पे कर रहा था राजा को बिजनेसमैन और कलेक्ट और किससे कलेक्ट किया जा रहा था मतलब उसका जो सफरर था वो कौन था रे कस्टमर था मतलब वहां की जो सिविलियन पीपल्स थे वो थे बट इट मतलब हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे बियर मतलब सफरर एंड पेयर बी सेम वेयर एज यहां पर क्या है सफर अलग है आर नॉट वन एंड द सेम ठीक है चलो देखो पांच पॉइंट हमने डिफरेंस देखे आप एक बार आपकी जो बुक है अपनी इंस्टीट्यूट की सीएमए की वो आपको ओपन करके देखनी है आपको उसमें डिफरेंसेस देखने हैं कि हमने जो यहाँ पे डिस्कस किए वो पांचों भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं प्रॉपरली या नहीं किए हैं करेक्ट और और एक पॉइंट इसके अंदर एक बचा है कि डायरेक्ट टैक्सेस इनकम बेस्ड टैक्सेस है मतलब आपके इनकम के ऊपर लगने वाले टैक्सेस है भैया आज जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो कौन से वो सप्लाई बेस्ट टैक्सेस मतलब जैसे जैसे आप सेल करोगे मेरे को एक बात बताओ उसको इनकम हुई तो उसको टैक्स भरना ही है ये बात कहाँ पे है डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में जब आप सेल करोगे मतलब एक आपको बाद में आएगा लेकिन मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ हमारा जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ट टैक्स है मतलब जो, जो लोग मतलब वो सेल कर रहे हैं ना जहां से सेल हो रहा है वहां पे टैक्स की लाइबिलिटी अराइज होगी ठीक है तो हमने अभी बेसिक डिफरेंस देख लिया व्हाट इज टैक्स व्हाट इज़ उसके बाद में हमने देखे टैक्स के टाइप्स और टैक्स का स्ट्रक्चर कि भाई कौन कौन से दो टाइप्स है एक डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स और उसका मेन डिफरेंस हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया ठीक है हाँ तो बच्चों फिर इसके बाद हम अब देखेंगे कि टैक्स जो चार्ज करने की पावर है वो किसके पास है हर किसी के पास है हर कोई टैक्स लगा सकता है चलो मैं लगा दूँ कल से तुम्हारे ऊपर टैक्स जो भी व्हाट्सएप यूज़ करेगा उसको टेन रुपीज़ रोज का टैक्स देना पड़ेगा चलेगा रे ऐसा नहीं नहीं ऐसा कैसे चलेगा सर हमारी तो जान निकल जाएंगी तो सुनो फिर टैक्स चार्ज करने का पावर किसके पास है टैक्स चार्ज करने का पावर यार कहीं दिया होगा ना रे कि ऐसे ही मन से जिसके मन में आया उसने टैक्स लगाया ऐसा चलता क्या नहीं फिर हमको कोई भी लॉ बनाने का जो पावर है ना वो पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन आप सबको पता ही होगा कॉन्स्टिट्यूशन constitution of india तो so constitution of india हमको क्या करता है पावर देता है किस चीज का पावर देता है कि आप टैक्स लगा सकते हैं आप क्या कर सकते हैं लॉ बना सकते हैं सॉरी क्या बना सकते हैं लॉ बना सकते हैं तो फिर ये पावर कहां दी गई है ये पावर हमको दी गई है आर्टिकल 245 के अंदर ठीक है आर्टिकल 245 हमको बोलता है कि यस आप लॉ बना सकते हैं किसको बना किसको दी गई है ये पावर्स ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट किसको दी गई है देख लो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिसलेचर समझो अच्छी से देखो टैक्स या कोई भी लॉ बनाने की पावर किसने दिए कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए कौन से आर्टिकल के थ्रू दिए 245 देखो ये आर्टिकल ध्यान रखना हमको एमसीक्यू में आ सकते हैं ठीक है थीके? स्टार मार्क करके रख लो अभी तो हमको पावर दी गई है पार्लियामेंट ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या पावर दी है कि आप लॉ बना सकते हो लेकिन कौन बना सकता है पार्लियामेंट बना सकती है स्टेट लेजिस्लेचर्स बना सकते ठीक है तो मेरे को एक बात बताओ यार कि जो मन में आया वो चीज़ के ऊपर तुम लॉ बना दो चल जाता ना ऐसा है ना जैसे कल पार्लियामेंट की इच्छा हो गई कि नहीं यार अब कुछ तो नया एक लॉ बनाते हैं उसके ऊपर और वो लॉ हम इंट्रोड्यूस कर देंगे ऐसा चलेगा क्या नहीं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत स्पेसिफिकली मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना सही बना है वो बहुत अच्छे से हमको बताता है कि आपके पास में कौन कौन से मैटर्स के अंदर लॉ बनाने के पावर्स है ठीक है तो वो पावर जो दिए गए हैं वो पावर दिए हैं देखो वो पावर जो दिए हैं ना वो दिए हैं शेड्यूल के अंदर ठीक है शेड्यूल के अंदर और वो शेड्यूल जो तो है वो तीन लिस्ट है उसकी एक लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट देखो थ्री लिस्ट के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट ने हमको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये बताता है कि सुनो गवर्नमेंट आपको हम पावर दे रहे हैं इसका मतलब आप किसी के भी ऊपर नहीं बना सकते हैं सुन लो अच्छी से। तीन हैं है। ठीक है? लिस्ट है, लिस्ट लिस्ट है, है मतलब यहाँ एक्सक्लूसिवली पावर किसको दिए है सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो मैटर जो लिस्ट वन के अंदर दिए गए मैटर है उसके अंदर लॉ बना पाएंगे ठीक है चलो बढ़िया लिस्ट टू स्टेट के लिए दिए स्टेट लिस्ट समझा देखो लिस्ट टू के अंदर सीधा सीधा पावर दे दिया स्टेट गवर्नमेंट्स को कि देखो आपको अगर कोई लॉ बनाना है तो आप लिस्ट टू में जाइए उधर देखिए कि हाँ यहाँ पे जीएसटी के लिए पावर है क्या यस यस है क्या देखो 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 देखो, देखो टैक्स बनाने के लिए पावर है क्या है क्या हाँ चलो टिक करो हाँ चलो बनाओ जाओ कहा देखना पड़ेगा वो लिस्ट के अंदर देखना पड़ेगा लिस्ट में अगर है तो है, है तो नहीं है और लिस्ट थ्री हम बोलते कौन करंट लिस्ट जहां पे यूनियन प्लस स्टेट दोनों को पावर दिए गए हैं इस चीज के लिए लॉ बनाने के लिए ठीक है मतलब यहाँ पे कौन दोनों भी जन साथ में आके कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है मतलब वहाँ पे जैसे जीएसटी एक टी एक रुपया जो आता है कॉन्करेंट लिस्ट के थ्रू और जहाँ पे पावर दिए गए हैं यूनियन को भी और स्टेट को भी वैसे देखा जाए तो एक जीएसटी काउंसिल की बॉडी बनेंगे वो हम बहुत अच्छी से और डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन अभी आप ये चीज़ समझ लो कि ये तीन लिस्ट के थ्रू हमको पावर्स आए हैं और देखो बच्चों मैं इतना डिटेल में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको बेस पता नहीं आपको हर चीज का बेस पता होना चाहिए कि भाई हमको कहाँ से लॉ बनाने की पावर आई कहाँ से हम हम अगर हमें अगर कल कोई पूछ ले तो हमको पता होना चाहिए कि यार नहीं नहीं लॉ बनाने के पावर जो है ना हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए है ठीक है चलो ठीक है अब हम आगे चलते हैं इसके बाद में हम देख रहे हैं कि एक्ट और बिल ये दोनों में क्या डिफरेंस है मतलब कोई एक्ट कब एक्ट बनता है मतलब देखो एक्ट वो है वाला एक्ट नहीं है यहाँ पे कि कृति मतलब हम बोलते हैं उसको मैंने ये किया मैंने वो किया वो एक्ट नहीं है यह, हा? ये हाँ ये एक्ट मतलब है कि जो कोई भी बिल हम हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब जो दो हाउसेस होते हैं एक होता है हमारा राज्यसभा और एक होता है लोकसभा वो दोनों ही हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर हम वो डिस्कस करते हैं कमेंट करते हैं उसके बाद में वो हम कन्वर्ट होता है एक्ट के अंदर उसको एक्ट बोलते हैं, ठीक है तो ये ये प्रोसीजर क्या होंगे रे कि मतलब कैसे हम कोई भी एक्ट बनाते होंगे देखो ये हम प्रोसीजर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे इसलिए करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया के अंदर लॉ कैसे बनते हैं जैसे हमको पता ये चल गया कि हमको फर्स्ट टाइम फर्स्ट थिंग क्या पता चली कि भाई हम लॉ बना सकते हैं लॉ बनाने की पावर हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है तो कौन कौन से टॉपिक के ऊपर लॉ बना सकते हैं लेकिन कैसे कैसे एक एक कोई तो प्रोसीजर होनी चाहिए ना कि यार ये प्रोसीजर के अंदर आप जाओगे ना तो ही लॉ बना पाओगे नहीं तो नहीं बना पाओगे तो सुनो और समझो देखो जो लॉ बनाना है हमको कोई भी अगर कोई भी हमको लॉ बनाना है तो हमको वो टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में क्या करना पड़ता पता है क्या सबसे फर्स्ट हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता अच्छा इंट्रोड्यूस करना है उसके पहले डायरेक्टली ऐसे इंट्रोड्यूस कोई भी कर सकता है नहीं देखो सबसे पहले कमेटी बनाई जाती कौन बनाता एक तो गवर्नमेंट बनाती तो प्राइवेट भी मतलब बनाए जा सकते मैक्सिमम करके मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं एक कमेटी बनाते हैं वो लोग उनसे पूरी मतलब जो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लॉ बनाना है तो उसके ऊपर डिस्कशंस करते पहले उसका एक समरी एक ब्रीफ बना लेते कि उनको उस लॉ के अंदर क्या क्या प्रोविजंस डालनी है ठीक है और फिर वो क्या करते वो वो जो भी लॉ है उसको इंट्रोड्यूस करते कहा इंट्रोड्यूस करते एक है राज्यसभा एक है लोक ठीक है कोई बता सकता लोकसभा के कितने मेंबर्स रहते है? पता है किसी को देखो लोकसभा के अभी फिलहाल में जो मेंबर्स है वो 543 फोर्टी थ्री है ठीक है और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो है 245 ओके अच्छा तो ये कौन इलेक्ट ये कौन इलेक्ट करता है पता है ना आपको हम ही इलेक्ट करते हैं ठीक है हाँ मतलब हम इलेक्ट करते हैं और वो आगे मतलब उनके ऑर्डि को और इलेक्ट करते हैं समझा तो ठीक है ये चीज समझी हमने राज्यसभा और लोकसभा ये कौन है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल मतलब हमारे इंडिया के हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव मतलब सीधा सीधा एक बात समझ रहे हो आप लॉ बनाने के पावर किसको है पता है आपको है मेरे को है सबको है लॉ बनाने के जो पावर है वो हम सबको है क्योंकि हम लोग ही तो इनको अपॉइंट करते हैं हम लोग ही इनको के देते हैं तो वो लोग वहां पे जाके क्या करते हैं हमारे लिए लॉ बनाने की पावर्स रखते हैं तो ये लोग क्या करते हैं पता है क्या देखो एक है ड्राफ्टिंग कमेटी जो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करती है ड्राफ्ट तैयार करती है किसी भी लॉ का और जब वो ड्राफ्ट रेडी हो जाता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कहा इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा में और राज्य

तब तो वो लॉ बनता है नहीं 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 अभी भी अभी भी बाकी है सुनो यहाँ पे क्या हुआ है एक्सेप्ट होने के बाद में इसके ऊपर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो हमारे ऑफ इंडिया की मुहर लगती है समझे मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके बाद में उसको क्या करते हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसी के बाद में वो जो लॉ है वो एक्ट में कन्वर्ट होता है समझा आपको हम कैसे किस वे से जा रहे हैं हर चीज को डिटेल में समझ रहे हैं हम हमने सबसे पहले ये देखा कि लॉ बनाने के पावर किसके पास है कौन बना सकता है क्या क्या कंडीशन है उसके बाद में कौन कौन सी चीजों पर बना सकते हैं और अब हमने ये भी देख लिया कि लॉ कैसे बनाया जाता है ठीक है तो इसी तरीके से हमारा जीएसटी भी बना ही होगा ना करेक्ट है तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि कैसे जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया क्या हिस्ट्री थी कहाँ से शुरू हुआ मतलब कौन सी गवर्नमेंट से चालू हुआ कौन कौन सी कमिटीज बनी और उसके अंदर कौन कौन सी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया गया कैसे जीएसटी लाया गया हम जो बोलते हैं कि जीएसटी इज अ वन नेशन वन वन नेशन वन टैक्स बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि वो जीएसटी बहुत सारे टैक्सेस को सब्स्यूम करके यहाँ पे आया है तो हम उसको देखेंगे इतना इंटरेस्टिंग है बच्चों मैं आपको बता नहीं सकता कि बहुत मजा आएगा आपको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर देख रहे हैं ठीक है और इनडायरेक्ट एक्सेस के अंदर हमारे पोर्शन में जो कवर होता है वो है जीएसटी और कस्टम्स तो हम ये दोनों भी बहुत अच्छे से और डिटेल में करेंगे ठीक है बच्चों चलो बाय